बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत साल पहले जुमले पढ़ने का बड़ा शौक़ होता था। एक जुमला हमारा आम तौर पे उर्दू अदब में लिखा जाता है, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो कुछ नहीं कहते। पर किसी लिखने वाले ने लिखा कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो लोग पूछते हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे हम कि सुबह की भूली अगर शाम को वापस आ जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए, क्या कुछ करना भी चाहिए या गुस्से से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा सवाल है और इसके लिए बड़ा दिल चाहिए या छोटा ज़र्फ़ चाहिए, दोनों सूरतें मुमकिन हैं। मगर उससे पहले आपके ख़त, आपकी बातें, आपके सवाल। तबस्सम अरशद है या इरशाद है, उन्होंने लिखा है कि आप दुरुस्त कहते हैं, जादू पर और जादू करने वालों पर दोनों पर पाबंदी होनी चाहिए और सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। ना सिर्फ ये लोग गुनाहों की अफजाइश का बायस हैं बल्कि घरों की बर्बादी की तरफ इनका पूरा मतमईन नज़र होता है। खातिम हज़रात, इस पर तो हम सबको बग़ैर किसी तरद्दुद के और बिना किसी परेशानी के सबको मुत्तफिक होकर मुहिम चलानी चाहिए। हमारी ये हुकूमत अल्लाह के फजल से ऐसी है, वैसे तो उसे जो मर्ज़ी कहें इस पर असर नहीं होना, लेकिन ये मसला सोसाइटी का है। इतनी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, इतने घर ज़ाया हो रहे हैं इन बदबख्तों की वजह से, इस पर ज़रूर एक, यानी इसे कहते हैं ना, कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए कि जिस शहर में, जिस जगह कोई पीर फकीर जादूगर जाली ईसाई हिंदू किसी भी नाम से कर रहा हो तो ये काबले दस्त अंदाजी है, पुलिस होना चाहिए, इस पर FIR होनी चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जादू करना इतना मुश्किल कर देना चाहिए कि छुप के भी इनसे मुमकिन ना हो। गुनाह के रास्ते बंद करने होते हैं तो तब फिर गुनाहगारों को वहाँ जाने का एक मुश्किल लगे तो रुकेंगे, अदरवाइज ज़ाहिर है फिर गुनाह बढ़ता रहेगा और आप लोग और आपके बच्चे उसको सहते रहेंगे। नाही चौधरी ने उस बच्ची के बारे में लिखा है जिसका जो केस है हम सबको बहुत दुखी कर गया था। उन्होंने कहा कि मुमकिन है ये साइकोलॉजिकल केस हो। बेटा, वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी, साइकोलॉजिकल केस नहीं थी, ज़हनी मरीज नहीं थी। क्या घर में मोहब्बत की कमी की वजह से ऐसा हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता ये घर में मोहब्बत की कमी या इजाफे से नहीं हुआ, ये कम अकली से हुआ। ये जैसे आपको इत्तफाक से, तुक्के से कोई बटेरा मिल जाए और उसे लगा कि ये मेरी ज़िंदगी में अब आ गया है, सोचे बिना समझे बिना कि अभी नहीं आया था, और आप उसके हाथों का खिलौना बन गए और ये वज़ ए पपिटी, और आप पपिट बन गए और उसने आपके साथ खेला और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। राना यूसुफ ने, देसी गर्ल आगे ब्रैकेट में ये लिखती हैं, ने पूछा है, सर मासूम और बेवकूफ़ में क्या फ़र्क होता है? अब कोई लड़की बेवकूफ़ है तो उसका क्या कसूर? बेटा, ऐसा नहीं होता, ये इतना सादा नहीं है। बच्चों के चेहरे जब देखते हो, उनकी आँखें देखते हो, तो आपको वो सादा लगती हैं या मासूम लगती हैं? मासूमियत के साथ सादगी नहीं है, मासूमियत के साथ खूबसूरती है, मासूमियत के साथ एक नेचुरल ब्यूटी है। मासूम चेहरा हो, मासूम आंखें हो, मासूम बातें हो, उनमें शर नहीं होता, उनमें कहीं शर का शरारा भी नहीं होता। ये किसी भी उम्र में हो, आपको उसको देखते ही, उसको सुनते ही उस पर प्यार आता है, उसकी मासूमियत अच्छी लगती है आपको, वो पवित्र पाकीज़ा और इस दुनिया से थोड़ी बुलंद चीज़। लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी किसी भी एज में हो सकता है, पर ये जिस बात को हम नहीं समझ पाते वो बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी आमतौर पे वो लड़कियां ज़्यादा करती हैं जो ज़िंदगी में डिसीजन कम करती हैं, जिनके दिल में, जिनके मन में अच्छे और बुरे के फैसले करने में दिक्कत होती है। याद रखिएगा, ये बहुत पल्ले इस बात को बांध लीजिए कि दुनिया में गुनाह और सवाब असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ आपको गुनाह के बदतरीन दर्जे और गुनाह के जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं उनका इल्म होना चाहिए। नेकी का तो सबको पता है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, बड़ों का एहतराम करना है, छोटों पे शफकत करनी है, अल्लाह की राह पे खर्च करना है, निगाहों को बुरा नहीं करना, लोगों को धोखा नहीं देना। कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमको इल्म ना हो? ये तो आप ईसाई हों तो भी पता है, हिंदू हों तो भी पता है, सिखों के यहाँ तो भी पता है, बुद्ध वाले हैं उनको भी पता है। यानी ये दुनिया भर के इंसानों की कॉमन खूबियाँ हैं कि वो कोई मज़हब भी ये नहीं कहता, पर जहाँ हम उससे हटते हैं
अपने मज़हब से और अपनी टीचिंग से, तो उसके बाद फिर गुनाह शुरू होता है। और फिर गुनाह में जब आप धंसते हैं, दिल पे एक दाग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पढ़ते जाते हैं, और बिलाखर ये दिल जो दागदार नहीं होता, काला सियाह हो जाता है, जिस पे अल्लाह ठप्पा लगा देता है। फिर इंसान सुम्मुम बुकमुन उमजुन फहम लहरजुन वाला मामला हो जाता है। खालिद इकबाल ने पूछा, सर क्या ये लड़की इंसान थी? अच्छा, उन्होंने लिहाज किया है, वो ये कहना नहीं चाहते थे, वो मेरा ख्याल है कहना ये चाहते थे कि ये लड़की बिल्कुल इंसान नहीं थी, आमकों की सरदार थी। और उन्होंने बड़ा लिहाज किया, कहा नहीं है किसी कम अकल लड़की से भी ऐसी हमाकत की हम तवक्को नहीं कर सकते। पर खालिद साहब क्या करें, ये तवक्को हम नहीं कर सकते, पर हो चुकी है। और इस तरह की बच्चियों को रोकना और संभालना और समझाना, ये बहुत लाजिम है हम सब। अनिला यासर, एम खान, इस्लामिक वर्ल्ड और हसीब खान ने लिखा है कि सर उस लड़की का सबसे बड़ा कसूर अंधा ट्रस्ट है। ये बात ठीक है। आशा जी, जो आज का मौजू है, ये मैं आपको बता नहीं रहा, आपसे पूछने वाला हूँ। एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ जो कि मुझ तक पहुँची, उन साहब से मेरी बात हुई, आमने सामने हम बैठे, अच्छे माकूल आदमी थे, MSc उन्होंने की हुई थी, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, 29 साल उनकी उम्र है, ख़ानदान भी अच्छा है, बहन भाई हैं, एक लविंग ख़ानदान में रहते हैं। शादी से 4 से 5 साल लेट हो गए, और यानी 24-25 साल की उम्र में होनी चाहिए थी, नहीं हुई, 9 years 29th। अभी उनकी कोई 6 माह पहले मंगनी हुई है, जिन साहिबा से मंगनी हुई है वो 22 साल की हैं, खुश हैं, उनकी रेगुलर बात नहीं होती, वो जो लड़के छिछोरे से होते हैं, पीछे पड़ने वाले, वैसे नहीं है, एक सुबर डिसेंट आदमी है, ये मेरी फीलिंग थी। पर अगली बात उन्होंने कही अपनी मंगेतर के बारे में, उन्होंने कहा सर वो बहुत डिसेंट लड़की है, और मेरी जब कभी कभी बात होती है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मेरे रब ने मेरी किसी नेकी की वजह से, मेरे कुछ यूँ समझे मैं गुनाह से बचता रहा, उस वजह से अल्लाह ने इनाम के तौर पर ये मुझे दी है। लेकिन अब चंद हफ्ते रहते हैं उनकी शादी को, और उन्होंने अचानक उसके FB पे नज़र पड़ी, किसी की FB पे नज़र पड़ी, वहाँ उसकी तस्वीर थी, किसी ग्रुप में थी, तो उन्होंने उसको क्लिक करना शुरू किया। ज़ाहिर अंदर इंसान के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, तो ढूंढते ढूंढते वो बिलाखर वहाँ पहुँचे जहाँ उसका अपना ID था, और पीछे जाते जाते आज से 3 साल पीछे वो चले गए, फिर उससे पीछे एक और साल गए, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उसने बड़ी यूँ समझें जैसे लूज बॉलें खेली होती हैं, तब उसकी उम्र 18 साल होगी या 19 साल होगी। अब उस उम्र में लड़कियों को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप उस पर जज्बाती होकर बात कर देती हैं, कभी कभी हमाकत करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें उसने लिखी या शेयर की जिस पर लड़कों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, कुछ ने वल्गर कमेंट्स भी किए, कुछ ने जैसे इजहार मोहब्बत किया। अच्छा, आम आप रिश्तेदार हों तो आपको शायद उतना फ़र्क ना पड़े, पर अब रिश्ते, जिस रिश्ते में ये दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, बंध रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं, उसकी तो केमिस्ट्री मुख्तलिफ है, तो अब इनके दिल पे बहुत बोझ आया। और इन्होंने फिर उस लड़के की भी जाके ID पे देखा, उस लड़की ने वहाँ भी उसके कुछ कमेंट्स पे नीचे कमेंट्स किए हुए थे जो इन्हें वहाँ भी नहीं भाए, और ये वो भी लूज बॉलें थी जो उस लड़की को नहीं खेलनी चाहिए थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, जो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं क्या करूँ, मेरे दिल पे बहुत तकलीफ़ है, बहुत बोझ है, और जितना उसको मैं डिसेंट समझता था उसके मैं माजी में गया हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं चला गया हूँ, उसके माजी को देखा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे उसकी वो जो डायलॉग हैं, वो जो वल्गर चीज़ें हैं, और उसने इजहार मोहब्बत किया हुआ है, इसने भी जवाबन कुछ वैसा किया हुआ है, किसी जगह इसने कंडेम नहीं किया, फिर बीच में 2 साल का गैप है, इसमें ये कन्फर्म है कि फेसबुक पे उस लड़के से उसका दोबारा रब्ता नहीं है। आपके पास ये सिचुएशन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ हो, आपके पास हो, तो आप क्या मशवरा देंगे? क्या ये कहेंगे कि सुबह का भूला शाम को आ जाए, और सुबह की भूली 2 साल पहले वापस आ गई थी तो उसे माफ़ कर देना चाहिए? देखें, ये माफ़ी जो है इस लड़की वाली, ये इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मर्दों के मामले में, मर्द हों, हाथी हों, ये ऊंट हों, इनके अंदर से जो थॉट प्रोसेस है ये
अजीब बदला लेने वाली कैफियत में चला जाता है। ये आमतौर पर माफ नहीं करते, और बहुत ही अल्लाह ने किसी को ज़र्फ दिया हो, बहुत ही बड़ा दिल हो और बहुत ही को अल्लाह से मोहब्बत करता हो और उसके बंदों को कमज़ोर जानता हो, उनकी खामियों कुताहियों को एक जेन्युइन चीज़ जानता हो कि हो जाती है, और ये सोचे कि ये तो माजी में हुआ। और हर लड़की का और हर लड़के का कहीं ना कहीं माजी तो होता है, चले बहुत बुरा ना सही, कम बुरा, थोड़ा सा कहीं कोई गलती कोई कुताही को हो जाती है, तो क्या उस पर उसको सजा देनी चाहिए? उन्होंने मुझसे पूछा मैं किससे बात करूं, अपनी माँ से बात करूं, मैंने मना किया, लड़की की माँ से बात करूं, मैंने उससे भी मना किया। उन्होंने कहा मैं लड़की से बात करूं, मैंने उससे भी मना किया, क्योंकि ये जहाँ बात करेंगे ये बात ख़त्म नहीं होगी, ये बात कंक्लूड नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। इनकी माँ के पास अगर बात गई तो एट एनी कॉस्ट रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। कोई भी माँ अपने घर में अपनी बहू को करेक्टर लेस समझ के लेने के, इन्हें कबूल करने पर भी कभी तैयार नहीं होगी। सवाल तो ये है कि वो साहब क्या करें। अब आप ज़रा मुझे बताइए, मैं आज आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि क्या वो उसे माफ़ कर दें, नंबर एक। नंबर दो, माफ़ करने पे इंसान आए तो कत्ल के मुजरम को भी माफ़ कर देते हैं, और न करने पे आए तो गुस्ताख को भी माफ़ करने पे इंसान आमादा नहीं होता। क्या आपके पास इसका कोई बेहतर हल है, ऐसा हल जो प्रैक्टिकल हो, जिससे इस लड़के के दिल पे, 29 साल लड़के के दिल पे जो आया बोझ है, तकलीफ है, जो शक है, वो जो जहर फैल रहा है उसके दिल की रगों में, उसका वो क्या करे? क्या उससे वो बच सकता है? क्या उसकी जहरीली नसें उसकी जिंदगी को जहर से भर देंगी, ये रिश्ता टूट जाएगा, जहरीला होकर ख़त्म हो जाएगा, या बच जाएगा? आप क्या कहते हो? अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।